हेलो दोस्तों, तो चलिए आज बनाते हैं छोले आलू की सब्ज़ी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्कुल आसान तरीका है सब्ज़ी बनाने का और स्वादिष्ट एकदम लजीज सब्ज़ी बनेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू और छोले को उबाल लेंगे। प्याज काट ली हुई है, हरी मिर्च है, लहसुन है, हरी धनिया है और टमाटर प्यूरी है और सभी मसाले हैं, जीरे, राई, सभी प्रकार के मसाले हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें सभी मसाले डाल देंगे। प्याज का पेस्ट नहीं बनाया है, लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल दी है, हरी धनिया है ताकि इसका स्वाद और अच्छा रहे, कटी हुई प्याज है, इसको धीमे धीमे चलाएंगे, सुनहरा होने तक भूनेंगे। ये इसके अदरक डाला हुआ है, मसाले ले लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी है आधा चम्मच, छोटे चम्मच से तीखी मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है एक चम्मच, गरम मसाला है पिसा हुआ। अब इसको पानी के साथ घोलकर डाल देंगे मसाले में। धीरे धीरे इसको फिर से सेकेंगे। थोड़ा फ्लेम तेज करना है, ये अमचूर पाउडर है। धीरे धीरे चलाते हुए और भी चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें छोला मसाला भी ऐड करेंगे, ये नहीं डाल पाए थे इसलिए बाद में डाल दिया है। इसको धीमी आंच पर फिर से एक बार कर देंगे और इसमें 2 चम्मच दही डाल दिया है और फिर से चलाएंगे। टमाटर प्यूरी भी डाल दी है और एक बार फिर तेज फ्लेम पर इसको पकाएंगे। चलाते रहना है ताकि मसाला जल ना जाए, जब तक पकाना है कि ये कढ़ाई से मसाला अलग हो जाता है। मसाला पक गया है, इसमें छोले डाल दिए हैं, आलू भी डाल दिए हैं, इसको मिलाएंगे। हरी धनिया डाल दी है एक बार फिर, क्योंकि सूखे आलू बचाना था इसलिए हरी धनिया डाल दी है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, इसको गाढ़ा रखना है या पतला। देखिए तैयार है आलू छोले की सब्जी, अच्छी तरह से पक चुकी है। 1-2 उबाल आ गए थे और हमने गैस को बंद कर दिया है। देखिए कितनी स्वादिष्ट दिख रही है सब्जी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।